Dear students, assalamu alaikum. Today is Monday and date is 13 December 2021. Hope you are fine. I am your English grammar teacher. Let's start our new lecture, lecture number 3. Today we are going to discuss the topic of sentence structure. Students, aaj ka hamara topic hai sentence structure. सब अपनी बुक के पेज नंबर 22 पे आ जाएं, बुकलेट के पेज नंबर 22 पे आ जाएं, डेट एंड डे लिखें. सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस क्या होता है, जुमला. सेंटेंस को कोई भी जुमले को किसी भी जुमले को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं. वो दो हिस्से कौन से होंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सेंटेंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस स्ट्रक्चर दो किस्म के होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम कर रहा हो किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ का, किसी हर शख्स, किसी हर चीज़ या किसी हर जगह के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा हो, किसी हर जगह पे काम कर रहा हो, क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा. और इसकी आप डेफिनेशन देख सकते हैं अपनी बुकलेट पे. सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सेंटेंस के बारे में है, जो किसी सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो, जो काम कर रहा हो, सब्जेक्ट कहलाएगा. अब जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट तो हमारे पास सब्जेक्ट था, सेकंड क्या है, प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट जुमले का वो हिस्सा है जो कुछ कहता है सब्जेक्ट के काम के बारे में, जो सब्जेक्ट के काम के बारे में बताता है, क्या कहलाता है, प्रेडिकेट. इंफॉर्मेशन देता है काम के बारे में, सब्जेक्ट के काम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है. अब इधर आप प्रेडिकेट की भी डेफिनेशन देख सकते हैं. द प्रेडिकेट टेल्स यू व्हाट द सब्जेक्ट डस और इज. प्रेडिकेट हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के काम के बारे में बताता है कि वो क्या काम कर रहे हैं. ये दो इसकी डेफिनेशन थी जो कि आपने अच्छे से प्रिपेयर लर्न करनी है, याद करनी है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नेक्स्ट नीचे आ जाता है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. ये आपको 10 सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें से आपने जो सब्जेक्ट होगा उसको अंडरलाइन करना है और जो प्रेडिकेट होगा उसको सर्कल कर देना है. अब सब्जेक्ट क्या था, जो काम कर रहा हो किसी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में जो काम कर रहा हो, क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा. प्रेडिकेट क्या था, जुमले का वो हिस्सा है जो सब्जेक्ट के काम के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, प्रेडिकेट कहलाता है. फर्स्ट इधर 10 उन्होंने एग्जाम्पल दी हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इसमें आपने जो सब्जेक्ट होगा उसको अंडरलाइन करना है अपनी बुक पे और जो प्रेडिकेट होगा उसको सर्कल करना है. फर्स्ट हमारे पास है, माई ब्रदर एंड सिस्टर लव टू ईट टैकोस एंड नैचोस ऑन ट्यूसडे. इसमें माई ब्रदर एंड सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट है. ये क्या कर रही है, इन पे काम हो रहा है, जो काम कर रहा है, माई ब्रदर एंड सिस्टर काम कर रहे हैं. सब्जेक्ट क्या था हमारे पास, कोई जो काम कर रहा हो, कोई हर शख्स, जगह या चीज़ का नाम जो काम कर रहा हो, सब्जेक्ट लाएगा. माई ब्रदर एंड सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट. और हमेशा सब्जेक्ट फर्स्ट पे आता है. माई ब्रदर एंड सिस्टर सब्जेक्ट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. नेक्स्ट, लव टू ईट टैकोस एंड नैचोस ऑन ट्यूसडे. फर्स्ट जो हेडिंग है आपके पास, फर्स्ट जो एग्जांपल है,
इसमें आपने माई ब्रदर एंड सिस्टर को अंडरलाइन करना है। उसके बाद आगे सेंटेंस में आ जाता है लव टू ईट टैकोस एंड नाचोस ऑन ट्यूसडे। लव से लेके ट्यूसडे तक आपने इसको सर्कल कर लेना है। फर्स्ट क्या करना है आपने, माई ब्रदर एंड सिस्टर को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट आपने लव टू ईट टैकोस एंड नाचोस ऑन ट्यूसडे, इसको आपने सर्कल कर लेना। यह थी हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड हमारे पास है सुशान एंड चार्ली विल डू देयर होमवर्क एंड गो टू दी लाइब्रेरी। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, इसमें एक खास नाम सुशान एंड चार्ली सब्जेक्ट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। सुशान एंड चार्ली को आपने अंडरलाइन करना है, अच्छे से अंडरलाइन इसे कर ले। उसके बाद आ रहा है विल डू देयर होमवर्क एंड गो टू दी लाइब्रेरी। यह हमें सब्जेक्ट के बारे काम के बारे में बता रहा है, तो इसमें आपने सुशान एंड चार्ली को अंडरलाइन करना है। उसके बाद जो आगे आ रहा है विल डू देयर होमवर्क एंड गो टू दी लाइब्रेरी, विल डू देयर होमवर्क एंड गो टू दी लाइब्रेरी को आपने सर्कल करना। थर्ड हमारे पास है दोज टेबल्स एंड चेयर आर गोइंग टू बी सोल्ड दिस वीकेंड। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, दोज टेबल्स एंड चेयर्स, इन पे काम हो, ये काम कर रही है, ये टेबल एंड चेयर एक काम कर रही है। सब्जेक्ट क्या था, जो काम कर रहा हो। दोज टेबल्स एंड चेयर्स, दोज टेबल्स एंड चेयर्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद सेंटेंस में क्या आ रहा है, आर गोइंग टू बी सॉल्व दिस वीकेंड, इसको आपने सर्कल कर लेना है। दोज टेबल्स एंड चेयर्स को अंडरलाइन कीजिए, आर गोइंग टू बी सॉल्व दिस वीकेंड को आप सर्कल कीजिए। आप फोर्थ एग्जांपल आप देख सकते हैं, एलेक्स एन एंड मैरी गो टू स्कूल एंड गो टू देयर जॉब्स। इसमें एलेक्स एन एंड मैरी सब्जेक्ट है, इसको अंडरलाइन कीजिए। गो टू स्कूल एंड गो टू देयर जॉब, ये हमारा प्रेडिकेट है। गो टू स्कूल एंड गो टू देयर जॉब को आप सर्कल कर लीजिए। एलेक्स एंड एन मैरी आप अंडरलाइन कीजिए, गो टू स्कूल एंड गो टू देयर जॉब को आप सर्कल कीजिए। अब आप आ जाएं फिफ्थ एग्जांपल पे, नंबर फाइव पे है द बॉयज एंड द गर्ल्स। द बॉयज एंड द गर्ल्स सब्जेक्ट है, द बॉयज एंड द गर्ल्स आर वॉकिंग क्विकली टू द रेस्ट रूम। द बॉयज एंड द गर्ल्स आर वॉकिंग क्विकली टू द रेस्ट रूम, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है बॉयज एंड द गर्ल्स, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट आर वॉकिंग क्विकली टू द रेस्ट रूम, इसको आप सर्कल कर लीजिए। इस पूरे सेंटेंस में आपने बॉयज एंड गर्ल्स को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट आपने आगे से आर वॉकिंग क्विकली टू दी रेस्ट रूम को आपने सर्कल कर लीजिए। आगे आप सिक्स नंबर पे आ जाए, नंबर सिक्स पे आप देखें हर मॉम एंड डैड कॉल हर एवरी डे। हर मॉम एंड डैड सब्जेक्ट हैं, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। कॉल हर एवरी डे प्रेडिकेट हैं, इसको आप सर्कल कीजिए। हर मॉम एंड डैड अंडरलाइन कीजिए, कॉल हर एवरी डे इसको आप सर्कल कीजिए। नेक्स्ट नंबर सेवन पे आ जाएं, नंबर सेवन पे क्या है, माई लेग एंड माई आर आर बोथ सोर फ्रॉम माई बाइक एक्सीडेंट यस्टरडे। इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है माई लेग एंड माई आर्म, माई लेग एंड माई आर्म को आप अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आ रहा है,
आर बोथ सोर फ्रॉम माई बाइक एक्सीडेंट यस्टरडे. आर बोथ सोर फ्रॉम माई बाइक एक्सीडेंट यस्टरडे को आप सर्कल कीजिए. नंबर 7 पे आपने माई लेग एंड माई आर्म को अंडरलाइन करना है. उसके आगे आर बोथ सोर फ्रॉम माई बाइक एक्सीडेंट यस्टरडे को आपने सर्कल कर लीजिए. ये प्रेडिकेट है. आर बोथ सोर फ्रॉम माई बाइक एक्सीडेंट यस्टरडे, उसको आप सर्कल कीजिए. ये प्रेडिकेट है. अब नंबर 8 पे आ जाए. नंबर 8 पे क्या है? मैरी एंड जॉन वॉच दिस मूवी लास्ट वीक. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैरी एंड जॉन. मैरी एंड जॉन को अंडरलाइन कीजिए. ये सब्जेक्ट है. वॉच दिस मूवी लास्ट वीक, ये प्रेडिकेट है. इसको आप सर्कल कीजिए. मैरी एंड जॉन को अंडरलाइन कीजिए. वॉच दिस मूवी लास्ट वीक को आप सर्कल कीजिए. आगे नंबर 9 पे है. माई ग्रैंडमा गेव मी एन ऑसम न्यू फोन फॉर माई बर्थडे. माई ग्रैंडमा क्या है इसमें? सब्जेक्ट. माई ग्रैंडमा एक खास सब्जेक्ट है, एक खास नाम है जो के काम कर रही है. माई ग्रैंडमा को आपने अंडरलाइन करना है. उसके आगे आ जाता है गेव मी एन ऑसम न्यू फोन फॉर माई बर्थडे. इसको आप सर्कल कीजिए. ये प्रेडिकेट है. माई ग्रैंडमा सब्जेक्ट है. इसको आप अंडरलाइन कीजिए. गिव मी एन ऑसम न्यू फोन फॉर माई बर्थडे. ये प्रेडिकेट है. इसको आप सर्कल कीजिए. आगे आ जाता है नंबर 10. नंबर 10 पे है आई एम गोइंग टू द स्टोर टू बाय अ पिज़्ज़ा आफ्टर स्कूल टुडे. इसमें अब सब्जेक्ट क्या है? प्रेडिकेट क्या है? आई मतलब मैं एक खास मतलब के काम कर रही हूँ. मैं पिज़्ज़ा लेने जा रही हूँ स्टोर पे. इसमें कौन काम कर रहा है? मैं स्टोर पे क्या करने जा रही हूँ? पिज़्ज़ा ख़रीदने जा रही हूँ. तो आई जो सा है इसमें सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या था? जो काम कर रहा हो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा आई. क्योंकि मैं जा रही हूँ पिज़्ज़ा ख़रीदने, तो मैं जो हूँ ना इसमें एक खास वर्ड है. ये क्या है? सब्जेक्ट है आई. आई को आप अंडरलाइन कीजिए. आई. फिर उसके बाद आ जाते हैं एम गोइंग टू द स्टोर टू बाय अ पिज़्ज़ा आफ्टर स्कूल टुडे. इसको आप सर्कल कीजिए. आई को आपने अंडरलाइन करना है क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है. आई एम गोइंग टू द स्टोर टू बाय अ पिज़्ज़ा आफ्टर स्कूल टुडे. इसमें आपनों आई एम गोइंग टू द स्टोर टू बाय अ पिज़्ज़ा आफ्टर स्कूल टुडे को आपने सर्कल करना है. ये प्रेडिकेट है. आई सब्जेक्ट है. आई एम गोइंग टू द स्टोर टू बाय अ पिज़्ज़ा आफ्टर स्कूल टुडे को आपने सर्कल करना है. ये प्रेडिकेट है. स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, जो किसी खास शख्स जगह या चीज़ के बारे में बता रहा हो सब्जेक्ट कहलाता है. जो काम कर रहा हो, जो किसी चीज़ पे काम कर रहा हो, जो किसी खास जगह पे काम कर रहा हो सब्जेक्ट कहलाता है. और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जुमले का सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो कुछ कहता है सब्जेक्ट के काम के बारे में, जो सब्जेक्ट के काम के बारे में बता रहा हो, इंफॉर्मेशन देता हो सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट कहलाएगा. यहीं तक का था आज का हमारा लेक्चर. नेक्स्ट आपने पेज नंबर 20 पे होमवर्क प्रिपेयर करना है. होमवर्क
आपने अपनी डायरी भी स्लाइड में देखनी है, पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 आपका होमवर्क है। यहाँ पे भी आपने लर्न एंड प्रैक्टिस करनी है अच्छे से सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आपने अंडरलाइन करना है। ऑब्जेक्ट का मैं आपको बताती जाऊँ, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट पर काम कर रहा हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट की आपने डेफिनेशन याद करनी है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट पर काम करता है, जो